शाबाश राष्ट्रगान जने गण मन अति नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊंचल जल तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय वंदे मातरम वंदे मातरम सुजनाम सुफलाम वलयज शीतलाम शश्यश्यामलाम मातरम वंदे वरदे वीरावाणी
गीता के अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 27, 28 एवं 29 का वाचन श्रवण एवं मनन करते हुए अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तांशमिक्षा सकौन्तेय सर्वाबन्धुनवस्थितां कृपया पर्याविष्टो विशिदन्नीदम ब्रवीत दृष्ट वेम स्वजन कृष्ण युत्सु समुपस्थित सीधन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपुस्थ शरीरे मे रोमहर्ष जायते। Seeing all the relations present there, Arjun was overcome with deep compassion and spoke thus in sorrow. Arjun said, Krishna, as I see, these kinsmen arrive for battle, my limbs give way and my mouth is getting freezed. A shiver runs through my body and hair stand on end. Yudh mein upasthit sampurna bandhuon ko dekhkar कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। इस प्रकार युद्ध की बातें करना आसान होता है
परंतु युद्ध करना कठिन, ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ है। और ना जाने कितनी बार हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति एवं परीक्षा की घड़ी आती है तब घबराहट होने लगती है, और इस तरह की शंका का समाधान हमें श्रीमद् भगवद्गीता से प्राप्त होता है। अब हम अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। धन्यवाद।